पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को सोमवार की रात गिरफ्तार कर लिया। उन्हें अश्लील फिल्म और उन्हें ऐप पर रिलीज करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस का कहना है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत है और उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। अश्लील फिल्म की शूटिंग के मामले में क्राइम ब्रांच ने इस साल फरवरी में केस दर्ज किया था और मामले की छानबीन कर रही थी। अश्लील फिल्म की शूटिंग को लेकर मामला दर्ज किया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने कहा कि राज कुंद्रा इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड थे। आरोप है केंद्रीय नाम की एक कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन यूके में किया गया था, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील फिल्में पब्लिश करती थी। ये कंपनी राज कुंद्रा ने ही बनाई और विदेश में रजिस्ट्रेशन कराया ताकि साइबर ला से बच सके। बताया जा रहा है कि राज कुंद्रा के परिवार के लोग ही इस कंपनी के डायरेक्टर भी थे। ये कंपनी सर्वर्स पर मुंबई या भारत के अन्य जगहों पर शूट किए गए अश्लील वीडियो अपलोड करती थी। वी ट्रांसफर के जरिए यहाँ से वीडियो भेजा जाता था। अब सवाल ये उठता है कि मुंबई पुलिस ने फरवरी में एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। बाद में 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद मामले में 2 FIR दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि कथित तौर पर एक्टर्स को अश्लील फिल्म के लिए न्यूड सीन शूट करने के लिए मजबूर करने के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई की थी। तब यह भी बात सामने आई थी कि शूट की गई फिल्मों को पेड मोबाइल एप्लीकेशन पर रिलीज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने हाल ही में मामले से जुड़े एक और शख्स उमेश कामत को भी गिरफ्तार किया। कामत की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बड़ी लीड मिली और पोर्न फिल्मों के इस रैकेट में राज कुंद्रा का संबंध सामने आया। अब यहां जो बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार राज कुंद्रा एक बड़े व्यवसायी हैं, उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी एक बहुत बड़ी अदाकारा है, इनके पास ऐसे पैसे की कौन सी कमी थी जो इनको पोर्न साइट बनानी पड़ी, अश्लील वीडियो शूट करने पड़े, फिर उन अश्लील वीडियो को ऐप पे डालना पड़ा या साइट पे डालना पड़ा। एक गरीब आदमी, एक मजबूर आदमी अगर इस तरीके की हरकत करे तो बात समझ में आती है, लेकिन एक धन्ना सेठ, एक उद्योगपति, एक बड़ा व्यवसायी अगर इस तरीके की घटिया हरकत करता है, इस तरीके की निम्न कोट की हरकत करता है, तो वाकई में कानून को अपना काम करना चाहिए और उसे किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। और राज कुंद्रा जिस तरीके से लोगों की नंगी तस्वीरें खींच रहा था, अब कानून को उसी तरीके से उसे भी नंगा करना चाहिए।